पुलाव आ ना आ तुझे कबूतर दिखाऊंगा आ आ ना आ तुझे कबूतर दिखाऊंगा। पुलाव पुलाव कैसा होता है? मुझे दोनों ने छीन ली अच्छी। अभी क्या करोगे बैचलर्स कर? अभी शादी का सोचा होगा लेकिन घर वाले करवा ही नहीं रहे। घर वाले शादी की नहीं सुनते तो क्या बैचलर कर? हम यहाँ पे जो है ना अभी यूनिवर्सिटी में आए थे तो ये सुना है कि बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, तो आइए इनसे एक परफॉर्मेंस देखते हैं जो उन्होंने हमसे कहा कि बड़ी अच्छी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आइए ये जो पुलाव होता है ना पुलाव पुलाव मजे 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 आए 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 मजे आए। भोले की दुल्हन उसके पास खड़ी है और पुलाव आ तुझे कबूतर दिखाऊंगा तुझे कबूतर दिखाऊंगा। बोला पोला कहता होता है मुझे दुल्हन ने छीन ली अच्छी, लेकिन पोले की दुल्हन उसे राजी नहीं होती। पोले को बुरा भी लगता होता है ना दुल्हन दुल्हन तो तुम दुल्हन दुल्हन तुम उसे प्यार क्यों नहीं करती? दुल्हन मैं अकेला रोता रहता हूँ, असाइनमेंटे भी करता हूँ। दुल्हन मजे 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 पोला खुश आए आए दुल्हन राजी हो गई दुल्हन राजी होगी मुझे मुझे आ कबूतर दिखूंगा। जी ये तो ये जबरदस्त सारी ने परफॉर्मेंस की एंड ये तो बड़े अच्छे ही आर्टिस्ट निकले। आप जी यहाँ छोड़े आप जाके एक्टिंग शेक्टिंग पढ़े। आते हैं भोले की दुल्हन राजी होगी तो भोला एक्टिंग भी करेगा मजे मजे। अभी क्या करोगे बैचलर्स कर? अभी शादी का सोचा होगा लेकिन घर वाले करवा ही नहीं रहे। घर वाले शादी की नहीं सुनते तो क्या बैचलर कर? इन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बायो तो नहीं करने दिया लेकिन बिया करूंगा मैं। शादी करनी है जी, शादी की उम्र हुई है। कहते हैं घर वाले करवाते ही नहीं है शादी। मैंने कहा शादी की उम्र करवाए। देखे हमारे माशरे में ना बेहाई की वजह यही है कि अब मेरी उम्र 20 साल है भाई, शादी करवाओ मैं जाके अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूं। अब मेरी बीवी अगर मेरा साथ हो यूनिवर्सिटी में तो मैं कोई गलत काम करूंगा? कभी किसी की लड़की लड़की के साथ नहीं घूमूंगा। घर वालों को समझाता हूँ मेरी शादी करवा दो, वो करवाते नहीं हो, कहते आईटी में घुसो, पढ़ाई जरूरी है मैं कहता हूँ, लेकिन अगर मेरी बीवी मेरा साथ यहाँ पे देगी तो मैं ज्यादा पढ़ सकूं। घर वालों बायो तो नहीं करने दिया, बिया करने दो, इसका अल्लाह का वास्ता। करवा दो यार करवा दो कसम से। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड है? नहीं अल्लाह माफ करे। अल्लाह इतनी शर्म किस बात की? शर्म आती है मम्मा ने। तुम ये फेस फेस पहन जो आए हो यूनिवर्सिटी तक होता है साहब, यहाँ पे कहती है तुम हम हैं हम तुम और बाहर जाके भूल जाती हैं। जो वेस्ट चेस्ट पहन कर आए हो इतनी जबरदस्त सी, इसका मतलब तुम रोज दूल्हा बन के आते? नहीं नहीं वो असल में लेवल ही मैडम थी ना वो मेरी फेवरेट है। ये टीचर से मोहब्बत? ये टीचर से मोहब्बत नहीं, दिल में इज्जत है। मैं कैसी बातें करी, अल्लाह माफ करे, मोहब्बत नहीं इश्क है। मुझे मैडम इतनी पसंद है ना इसलिए दूल्हा बन के आते हो रोज। देखिए थे ये बेचारे बिया के चक्कर में रोज दूल्हा बन के आता है तो कहता कोई बात नहीं वो नहीं तो टीचर ही सही। नहीं टीचर आप यकीन माने ना मुझे, अगर टीचर क्या उस ब्लॉक से चलाने को लगा दूंगा, इतनी पसंद है। बाकी गर्लफ्रेंड वगैरह रात को 12 के बाद मैसेज करती है, सुबह 3 तक मुझसे बात करो जब दिल चाहे कॉल भी कर सकते, कोई मसला मैं भी ये काम है। हाँ ना मैम काम है, मैंने वो चीज सीखनी है वो कोड में, वहाँ पे मसला आ रहा है मैम, फिर पूरा गाइडलाइन घंटे डेढ़ की दे देती है। कौन सब साथ बिठाती है, बैठो बेटा इधर। हाँ जी बस समझा करे ना। समझ गई मैं, बिल्कुल समझ गई जी। अब वो जो मैम जो भी है वो समझ जाए ये इस जिनके स्टूडेंट है कि किस चक्कर में ऐसे तैयार होके आते हो, और प्लीज इसके घर वाले इसका बिया जो है ना वो कर दें अल्लाह का वास्ता। अगर मेरी शादी हो गई ना तो आपको तो मैं अच्छी सी ट्रीट दूंगा। बाकी अब मैं खड़े खड़े मुझे आप पसंद आना शुरू हो गए, मेरा दिल में बड़ा दिल थैंक इंसान हो। चले फिर मैं कितनों को टाइम दूँ यार, दोस्त ने तो मुझे कह दिया अभी तो बड़ा मसला है मेरे लिए। नहीं आप मैं आप समझता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये आपकी अपनी पसंद है? घर वालों के पसंद, मैंने करनी थी मेडिकल में जाना चाह रहा था, घर वाले कहते हैं सॉफ्टवेयर का आगे स्कोप है सॉफ्टवेयर में घुसो। पहले दिन मैं लैब में बैठा यकीन माने रोने वाली हालत हुई थी, मैंने कहा था मैंने ये चीज़ पढ़नी ही नहीं है, घर वालों ने प्रेस किया जाओ बेटा वहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे आके इतने मसले। अभी यकीन माने मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ लेकिन दिल है ही नहीं पढ़ने का। मैं चाहता हूँ यार मुझे बायो की फील्ड में जाने दो, मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन घर वाले कहते नहीं कंप्यूटर की फील्ड में स्कोप है, दिल की कोई सुन ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है ये जो मिसफिट जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं या मिसफिट जो लाइफ होती हैं तो क्या वो इतनी सक्सेसफुल होती हैं? नेवर, मैं कहता हूँ आपका कुछ भी नहीं चाहिए ना, दिल की सेटिस्फेक्शन आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। यकीन माने बायो पढ़ता था तो बस एक वो जोश होता है इंसान को, यार ये चीज़ मैंने पढ़नी है, क्यूरोसिटी होती है कि मेरे इस पर, उसमें आपके मार्क्स भी आपको ज़्यादा खुशी होती है। अब मैं पढ़ रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ मार्क्स आते, लेकिन वो खुशी नहीं है जो मैं बायो पढ़ के मुझे खुशी होती थी। मैं अम्मा पापा को वापस समझाया नहीं, समझते कहाँ हैं। वैसे नॉर्मली तो पेरेंट्स का ही होता है जी डॉक्टर बने डॉक्टर बने डॉक्टर बने बेटा बेटी डॉक्टर बने, ये उल्टा आपके घर में कुछ उल्टा सिस्टम है? वो आप जो बात कर रही हैं वो आई थिंक 10-15 साल पहले की है, अब आईटी का दौर आ रहा है, डॉक्टर वाली साइड पर कोई जाने नहीं देता, कहते हैं बेटा आपने आईटी पढ़नी है आगे इसका ये स्कोप है, आप जाके सॉफ्टवेयर बनाएंगे 10 साल बाद भी सॉफ्टवेयर चलेगा, ये कि सोचते नहीं है कि बच्चे की इंटेंशन क्या है। क्या करूँ